वो दोनों भाई बहन जब शूटिंग के टाइम में जब शूटिंग करने उतरते थे और जयश्री मतलब कोई स्टेप भूल जाती थी, वो नहीं कर पाती थी, तो साहिर उसे डांट कर बोलता था कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। और आज साहिल को अंतिम सांस लिए हुए 7 दिन हो गया है। आज 7 दिन उसका हो चुका है, तो हम आए हुए हैं साहिल के घर पे ही। और सोचे थे आप लोग को कि उसके घर वाले से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन घर वाले जो भी हैं उनकी ये कंडीशन नहीं लग रही है कि अभी वो साहिल के बारे में कुछ बात कर सके। हालांकि मैं भी उसका मामा हूं, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं वीडियो बनाता हूं। तो फ़िलहाल उसके घर पे तो ऐसे है कोई नहीं, एक मम्मी पापा और एक भाई है। भाई जो है वो साहिल को मुखाग्नि दिया है, तो अभी कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं लग रहा है जिससे वो बात करेगा। तो फ़िलहाल हम लोग जो आए हुए हैं साहिल के घर पे, तो उसकी साहिल की मामी जो कि जयश्री की मम्मी हुई और मेरी वाइफ हुई, तो वो आई हुई है। तो चलिए उससे मिलाते हैं। अभी जो साहिल का भाई है तो वो 7वां दिन है, तो उसके खाने की प्रबंध कर रही है, खाने की व्यवस्था कर रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उससे और पूछते हैं साहिल क्या था, कैसा लड़का था, वो सब आप लोग को बताएगी वो। ये गाइज आप देख सकते हैं, ये साहिल की मामी हुई और जयश्री की मम्मी। तो अभी ये किचन में कुछ काम कर रही है, कुछ बनाने के लिए आई है, क्योंकि ये जयश्री मतलब ये साहिल का भाई को मतलब खाना उसके लिए ही बना रही है, क्योंकि उसे अभी कुछ खाने का नहीं होता है। साहिल को उसका भाई मुखाग्नि दिया है, तो अभी क्या है कि वो नमकीन नहीं खा सकता। हमारा जो रीति रिवाज के हिसाब से वो नमकीन अभी नहीं खा सकता, तो उसे मीठा ही खिलाया जाता है। अभी ऐसा चलेगा 12 दिन। 13वीं जब ब्रह्म भोज हो जाता है, ब्राह्मण लोग को जब खाना खिला दिया जाता है, तो उसके बाद ही वो नमक खाएगा। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल ये देख सकते हैं यहाँ पे ये खीर बना रही है। और पूछते हैं इससे साहिल को जाने के बाद कैसा महसूस होता है तुमको? साहिल के जाने के बाद तो सुना सुना लगता है, घर मन नहीं लगता, बहुत दुख है। मतलब ये अभी तो हम लोग आए हुए हैं साहिल के घर पे ना, हम अभी साहिल के घर पे आए हुए हैं क्योंकि साहिल के घर में कोई नहीं, उनके मम्मी पापा सिर्फ और उनके भाई हैं। तो उनके भाई तो मुखाग्नि दिए हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते अभी कोई, तो उनके चलते हम लोग आ करके हाँ हेल्प कर रहे हैं, क्या करे, कोई भी नहीं है मदद। गाइस उसके घर में कोई नहीं रहने की वजह से अभी हम लोग ही हैं जो उसके सब कुछ हैं, और हम लोग ही जितना हो सके उतना हेल्प कर ही रहे हैं उसको। तो साहिल कैसा लड़का था वो बताओ गाइस। साहिल बहुत दयालु लड़का थे, उनके ऐसा इस धरती पर लगता है कोई एकाक इंसान ही होगा जो उनके ऐसा होगा, लेकिन बहुत वो अच्छा लड़का थे, बहुत उनके पास दया था और हम लोग को बहुत खुश करके रखते थे। आज वो खुद तकलीफ में होता था गाइस, लेकिन हम लोग को हमेशा खुश रखना चाहता था। पता नहीं भगवान कितना समय देके उसको बनाए थे, समझ में नहीं आता है। जितना वो शक्ल से सुंदर था उतना दिल से भी वो मतलब सुंदर था। उसका अंतिम विदाई तो मतलब अपने घर से हो गया ना? हाँ, अंतिम विदाई नानी घर से ही। उसका अंतिम विदाई जो हुआ, अंत जो सांस जो लिया, वो हमारे घर से ही वो लिया था। और जब लिया तो समझिए कि पूरा इलाका, हमारा पूरा गांव जो था ना, वो सब का सब शोकाकुल हो गए एकदम। इतना अच्छा लड़का था साहिल कि हम बता ही नहीं सकते आप लोग को। मतलब शब्द ऐसा मेरे हिसाब से कुछ बना नहीं है जो कि उसके लिए काफ़ी हो, पर्याप्त तो हो बोलने के लिए। गाइस ये देख सकते हैं, ये हुआ साहिल का गांव, घोसबरी पड़ता है ये, पटना से तकरीबन 40-50 किलोमीटर आगे पड़ता है गांव घोसबरी। तो यही वो गांव है घोसबरी जो साहिल का गांव है, और हमारे घर से 3 किलोमीटर पड़ता है। हमारा गांव पड़ा बख्तियारपुर। गाइस यहां पे
कितने बार मतलब जयश्री को बोले कि तुम आओ, लेकिन वो तो अभी बोलती नहीं है कि मैं वहाँ जा ही नहीं सकती, क्योंकि साहिल भैया होते थे तो वहाँ पे जाने का मज़ा ही कुछ और होता था, लेकिन अभी साहिल भैया नहीं है इसलिए अभी हमारा हिम्मत नहीं पड़ता है जाने का, तो वो तो नहीं आ पा रही है। लेकिन फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पे और हर दिन आते हैं, अभी तो हर दिन ही हमारा आना जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग नहीं अगर संभालेंगे तो और कौन संभालने के लिए आएगा। तो आके जितना बन सके हम लोग हेल्प कर रहे हैं जितना हो सके हमारे तरफ से, और बाकी तो आप लोग दुआ कीजिए कि मतलब उनके मम्मी पापा को, उनके भाई को मतलब इतना सहन शक्ति, इतना हिम्मत दे ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। जयश्री का भी तबीयत भी खराब है ज़्यादा, इसलिए उसको अकेले छोड़ कर के यहाँ में पड़ रहा है, क्योंकि उनके दादी के पास छोड़ दिया है, क्योंकि उसका सलाइन चढ़ा हुआ, जब भी इंजेक्शन आज पड़ रहा है, इसलिए अभी उस आना भी नहीं पा रही, आ भी नहीं पा रही है, उसके बाद फिर काम भी यहाँ भी है, वो आना नहीं चाह रहा। अचानक से इतना तबीयत उसका खराब होने का कारण क्या था? कारण यही है साहिल, इतना ना वो दिल मतलब इतना ज्यादा उससे लगाव था, आखिर भाई तो उसका बहुत था लेकिन साहिल से ही इतना लगाव था। भाई कोई नहीं तो उसको बहुत, क्योंकि साहिल ही उसको आगे बढ़ाने वाले। हाँ ये बात तो है। गाइज आप लोग को बता दें कि जब वो दोनों भाई बहन जब शूटिंग के टाइम में जब शूटिंग करने उतरते थे और जयश्री मतलब कोई स्टेप भूल जाती थी, वो नहीं कर पाती थी, तो साहिल उसे डांट कर बोलता था कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। मतलब और गाने में भी अगर दिखा जाए कि कोई मतलब गाने में मिस्टेक कर रही है, मतलब किसी को ऊंचा स्केल से गाना है या नीचा स्केल से गाना है, मतलब जो उसे ऐसा समझ में नहीं आ पाता था तो साहिल ही उसे ट्रेन करता था। तो ये सब बात जो है वो जयश्री के माइंड में बहुत मतलब ज़्यादा घर कर लिया है कि वो कैसे मतलब साहिल भैया हमारे साथ कैसे रहते थे, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था, मतलब भाई तो बहुत है लेकिन वो साफ बोलती है कि साहिल भैया के जैसा भाई कोई नहीं हो सकता है। और ये सब माइंड में आके वो भी थोड़ा डिप्रेशन में जा चुकी है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अब तो यही कहेंगे आप लोग से कि आप सभी के लिए आप दुआ कीजिए, और हम इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आप लोग को।